आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड का रोल नंबर निकालने के प्रोसेस के बारे में। यहाँ पर आपने काफ़ी तरीके से ट्राई किया और रोल नंबर आप सभी का नहीं निकल पा रहा है, और काफ़ी लोग यहाँ पर जो है रोल नंबर कुछ एक तरीके को अपनाकर निकाल चुके हैं, और सभी का इसमें जो है कमेंट भी आ रहा है कि इस तरीके से अगर रोल नंबर निकाला जाए तो सभी का रोल नंबर निकल रहा है। तो क्या है प्रोसेस, चलिए हम आपको दिखाते हैं। साथ ही कुछ कमेंट यहाँ पर जो व्यूअर्स के आपको दिखाने वाले हैं, जिसमें सभी लोग यही बोल रहे हैं कि इस तरीके से अगर आप इसमें सारी जानकारी फिलअप करते हैं तो आपका जो है यहाँ पर रोल नंबर 100% निकल आएगा। तो वीडियो में बने रहे दोस्तों, अच्छा लगे लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। साथ ही पहली बार अगर विजिट किए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन भी इनेबल कर लें। और यहाँ पर टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिस्ट में मिल जाएगा। अदर आपको यहाँ पर कोई भी वीडियो छूट जाती है तो आपको टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। क्रोम ब्राउज़र में आने के बाद यहाँ पर हमें सिर्फ टाइप कर देना है दोस्तों सीबीएसई, उसके बाद हम यहाँ पर जो है इंटर कर देंगे। सीबीएसई लिख देने के बाद दोस्तों हम यहाँ पर सर्च पर कर देंगे क्लिक। देन दोस्तों सीबीएसई जैसे हम लिख करके क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से ऑप्शन ऊपर ही मिल जाता है, यहाँ पर रोल नंबर फाइंडर करके 2021 का, तो इस पर हमें कर देना डायरेक्टली क्लिक। अब यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन आ जाते हैं, सर्वर वन सर्वर टू। किसी भी सर्वर पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा जिसमें इस तरीके का आपका आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको कंटिन्यू वाले बटन पर कर देना है क्लिक। अब दोस्तों यहाँ पर ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ से हम डेस्कटॉप साइड मोड पर करते रहेंगे। देन दोस्तों डेस्कटॉप साइड मोड पर कर लेने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर हमें दो ऑप्शन मिलते हैं, क्लास 10th और क्लास 12th का। आप 10th का निकालना चाहते हैं या फिर 12th का, ये यहाँ पे आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद यहाँ पे हम सैंपल देखेंगे तो हम एक सिलेक्ट कर लेते हैं किस तरीके से आपको इसमें सारी डिटेल वगैरह जो है भरनी है। तो अब यहाँ पर दोस्तों देखिए, अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके का ऑप्शन आ जा रहा है। इसमें चार चीज़ें आपको भरनी है, सबसे पहले कैंडिडेट नेम, फादर नेम, उसके बाद मदर नेम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सर्च डाटा पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको अपना नाम कुछ इस तरीके से लिखना है, जैसे कि नाम का पहला अक्षर आप कैपिटल में रखें, उसके बाद का जितने भी हैं सब स्मॉल में रखें। अगर इस तरीके से नहीं निकलता है फिर आप एक बार पूरा कैपिटल में भर के देखें। तो यहाँ पर सबसे पहले एक बार आप अपना पहला नाम का अक्षर जो है उसे कैपिटल में रखेंगे, बाकी स्मॉल में। और यहाँ पे फादर नेम है दोस्तों, अगर आपके फादर का नाम यहाँ पर विनोद वर्मा या फिर विनोद कुमार है तो आपको सिर्फ फादर नेम का पहला ही नाम लिखना है, यानी कि अब सिर्फ विनोद ही लिखना है, आपको कुमार या फिर वर्मा या फिर जो भी हैं उसे नहीं लिखना है, ये आपको ध्यान देना है। उसी तरीके से मदर नेम भी सिर्फ आप मदर नेम ओनली लिखेंगे और यहाँ पर फादर नेम भी ओनली लिखेंगे। और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ जो है आपका आधार कार्ड से देख करके उसे भर देना है। देन दोस्तों आप सर्च बटन पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 100% आपका जो है यहाँ पर सर्च रिजल्ट में आपका जो है व्यू जरूर हो जाएगा। और यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि दोस्तों आपको जो है कैंडिडेट नेम जो लिखना है वो कैपिटल में लिखना है, यहाँ पर पहला नेम कैपिटल, और यहाँ पर फादर नेम जो है वो आपको पहला लिखना है और मदर नेम भी आपको पहला लिखना है। तो देखिए यहाँ पर मैं कुछ कमेंट आपके व्यूवर्स के जो है दिखा देता हूँ। जिन कैंडिडेट ने इसे इस्तेमाल किया है उनका यहाँ पर निकल आया है, यहाँ पर आपके कमेंट दिखा देते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर कैंडिडेट नेम जो आपको डालना है वो फुल नेम डालना है, फर्स्ट नेम आपको कैपिटल लेटर में रखना है, उसके बाद फादर नेम आपको सिर्फ फर्स्ट नेम लिखना है, फादर नेम का पहला नाम ही लिखना है, उसके बाद मदर नेम का भी पहला नाम, उसके बाद जो आपके डेट ऑफ बर्थ है आधार पर वो डाल देनी है। फिर आप यहाँ पर देखें, ट्राई करें, कुछ चेंजिंग उसमें करते रहें दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर देखें आपका जो है निकल जरूर आएगा, यहाँ पर रोल नंबर पता चल जाएगा। आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, साथ ही ऐसी वीडियो नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।